हे गाइस, कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बनाने वाले एक ऐसा डिश जो बेचारा काफी जिल्लत भरी जिंदगी जी रहा है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का ये? तो आप लोग समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मूली के पराठे। तो लोगों को खाने में तो बहुत मजा आता है, पर उसके आफ्टर इफेक्ट्स जो होते हैं वो तो पड़ोसी बता सकता है। तो कल रात में मेरे सपने में आया ये। व्हाट? और बोला भैया ये जिल्लत भरी जिंदगी से तंग आ गया हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, कुछ कर दे आपके लिए भी। तो जोक सपाट, हम लोग आज मूली के पराठे बना रहे हैं, तो उसमें हम लोग कैरेट भी ऐड करने वाले हैं। जो लोग बोलते हैं यार मूली के पराठे का कि इंडाइजेशन होता है, ये प्रॉब्लम होती है, तो भाई आप खाते क्यों इतना ज़्यादा? चार पांच खा लोगे तो वही प्रॉब्लम ना, दो खाओ तो। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो आप उसमें थोड़े से हर्ब्स ऐड कर सकते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करता है। जैसे कि आप उसमें अजवाइन ऐड कर लो, जीरा ऐड कर लो, मेथी ऐड कर लो, ये सब जो स्पाइसेस हैं ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं, तो हम लोग वो सब ऐड करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, क्या क्या लगने वाला है वो मैं आप लोग को एक बार दिखा देता हूँ। तीन मूली, दो गाजर, थोड़ा धनिया का पत्ता, अदरक एक इंच, हरी मिर्च, थोड़ी सी मेथी, अजवाइन और जीरा। सबसे पहले ये तीनों को कूट लेते हैं एक साथ में, फिर इसको ग्रेट कर लेंगे और मिर्ची, अदरक, धनिया को चॉप कर लेंगे। तो गाइस, मसाला अपना रेडी हो गया है, अब इसको करते हैं साइड। मूली और गाजर को ग्रेट कर लेते हैं। और गाजर दोनों ग्रेट कर लिया मैंने। अब इसमें जैसे कि आपको पता है मॉइस्चर रहता है, तो इसको स्क्वीज करके मॉइस्चर निकाल लेंगे। वो पानी हम लोग फेंकेंगे नहीं, वो पानी हम लोग आटे में यूज़ कर लेंगे। इसका सारा पानी निकल चुका है ऑलमोस्ट। अब इसमें जो हमने धनिया, अदरक और मिर्ची काट के रखा हुआ है वो ऐड करेंगे, और जो हमने मसाला कूट के रखा था वो ऐड कर लेंगे। तो गाइस ये मिक्स हो गया है। अभी इसमें हम सॉल्ट नहीं ऐड करेंगे, पहले हम लोग अपना आटा गूंद लेंगे, उसके बाद जब हम फिलिंग करने लगेंगे तब हम लोग इसमें सॉल्ट ऐड कर लेंगे। देखो गाइस, इसमें काफ़ी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो इसको वेस्ट करने से अच्छा हमने इसको डो में यूज़ कर लिया। उससे अपने को फ़ायदा ये हो गया कि अपना फ्लेवर भी इनहेंस हो गया और डो भी काफ़ी न्यूट्रिशियस हो गया। डो रेडी, अब हम इसमें सॉल्ट ऐड कर लेंगे और अब इसको मिक्स करके फिलिंग स्टार्ट करेंगे। अपना कारीगर आ गया है जो पराठा फिलिंग करेगा। अच्छा, मुझे ऐसे मत लेना, मैंने बहुत गंदा कपड़ा पहना है, ये कपड़ा तो मैं अपने वीडियो में भी नहीं डालूंगा। We'll be right back.
गाइस पराठा रेडी हो गया है, चलिए अब टेस्ट करते हैं। कैसा है जान? खाना यहाँ रखा हुआ है। खाने नहीं।